सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल जी टेक्निकल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के होंगे सवाल, मैं दूंगा उसका जवाब। और दोस्तों अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सवाल के जवाब होंगे। दोस्तों अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट संडे में आपका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोस्ट डाला था कि भाई 2 बजे या 3 बजे या फिर 7 बजे मैं यहाँ पर लाइव आऊँगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे इधर लाइट नहीं थी, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव नहीं आया। और लाइट आई उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो नेटवर्क चेक किए, यहाँ पर नेटवर्क स्पीड तो दोस्तों स्पीड इतनी नहीं थी कि मैं एक लाइव स्ट्रीम कर सकूँ, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, यानी कि आपने जो लोगों का चैनल चेक नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर करूँगा चैनल चेक आपके लाइव, जब भी अच्छी यहाँ पर स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर बिना बताए आपको यहाँ पर लाइव कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों पिछली बार जो मैंने किया था तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पोस्ट करके किया था। और दोस्तों एग्जैक्ट टाइम मैं इसलिए नहीं बताता कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि भाई नेट की स्पीड का कोई भरोसा नहीं है, कहीं बहुत अच्छी आती है और कहीं बहुत घटिया आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों जब भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पर नेट स्पीड तो मैं यहाँ पर लाइव कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको बिल्कुल चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। वीडियो पर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर भाई का यहाँ पर सवाल है, टेक टिप्स सत्यम पूछते हैं कि भाई यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कैसे बनाया हो, यानी कि मेरा जो थंबनेल का बैकग्राउंड है मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड अलग से यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है, उसमें ऊपर यहाँ से एडिट करके उसमें यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो भाई को बहुत पसंद आया तो मैंने उनको बता दिया यहाँ पर फुल क्रिएशन। अब भाई ये पूछते हैं कि भाई मेरा वॉच टाइम क्रोम ब्राउज़र में ऐड नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 4 कंडीशन होती है इसकी वजह से आपका क्रोम ब्राउज़र में वॉच टाइम काउंट नहीं होता। 1, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता। 2, अगर दोस्तों आपने कोई वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, अनलिस्टेड कर दिया है, या फिर दोस्तों आपने कोई वीडियो को डिलीट कर दिया है, इन सभी कंडीशन में आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। और यही कंडीशन रहती है यूट्यूब के जो आप लाइव करते हो उसमें, या फिर दोस्तों आपने कोई एडवर्ड से यहाँ पर ऐड लगा के अपने जो वीडियो पर व्यूज़ आए हैं उससे जो भी वॉच टाइम आया है वो काउंट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों भाई मैं आपको बता दूं कि आपका वॉच टाइम ऐड नहीं हो रहा है क्रोम ब्राउज़र पर। IBT विनीत, तो ये भाई पूछते हैं माई क्वेश्चन, भाई शॉर्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दें, टाइमिंग पे, टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे, या फिर अपने चैनल पर? और इन्होंने अपने चैनल पर 210 वीडियो शॉर्ट डाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और भाई के मैंने आपका चैनल चेक किया था, यहाँ पर आपके वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं और आपने यहाँ पर लगभग 2-3 महीनों में अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर ली है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझको क्या अच्छा करना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस यहाँ पर ये होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप हर वीडियो डाल रहे हैं तो आपका वीडियो वायरल हो। तो इनका वीडियो मैंने देखा है यहाँ पर, ये शॉर्ट डालते हैं और शॉर्ट इनके वायरल भी गए हैं। तो यहाँ पर भाई से मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, और यहाँ पर बात करें कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप यहाँ पर टाइटल लिखते हैं उसमें थोड़ी बहुत इमोजी का इस्तेमाल कीजिए, और जो आप यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो वाटरमार्क रहती है ऊपर और नीचे, वहाँ कुछ ऐसा कैची लाइन लिखी है जिससे कि व्यूवर्स यहाँ पर स्क्रॉल करके ना जा चला जाए, बस उसको देखता रहे कि भाई ये मूवमेंट आने वाला है। यानी कुछ यहाँ पर आपको सस्पेंस क्रिएट करना होगा। क्वेश्चन आया है बेहाल गेमिंग, तो नाम सही है बेहाल गेमिंग, तो भाई यहाँ पर अपना चैनल का अब तक का अर्निंग कितना है? तो भाई यहाँ पर मेरी इतनी अर्निंग है, मैं एक BMW ले सकता हूँ। असंभव, असंभव। जोक सपोर्ट, यहाँ पर मेरी अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पर रेडमी नोट 10S प्रो ये मैं ले सकता हूँ दोस्तों, इतनी अर्निंग हो चुकी है मेरी। और दोस्तों नेक्स्ट आने वाली है, और इसके बाद इसके साथ साथ मैंने एक स्पॉन्सरशिप भी की है। इसके बाद एक और भाई का क्वेश्चन है, तो इन्होंने क्वेश्चन की जगह यहाँ पर ये बोला है कि भाई आप गूगल एडवर्ड के ऊपर वीडियो बनाइए। दोस्तों अगर आप इस पे चाहते हैं गूगल एडवर्ड पर वीडियो फुल डिटेल के साथ तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर गूगल एडवर्ड पर बन के आ जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ आज के सवाल। यहाँ पर मस्त सेटअप है भाई, यहाँ पर नरेश एक्सपेरिमेंट ये बोल रहे हैं कि भाई आपका बहुत अच्छा सेटअप है, तो भाई थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत अच्छा होगा। ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप नेक्स्ट संडे अपना क्वेश्चन यहाँ पर मेरी वीडियो में देना चाहते हैं तो जब भी मैं पोस्ट डालूँ उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए, या फिर दोस्तों इस वीडियो में आप भर भर के कमेंट कीजिए, जो भी आपके दिमाग में सवाल या फिर सुझाव है उसके आंसर मैं नेक्स्ट संडे Q&A में दे दूंगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों का आज का Q&A पसंद आया हो, पसंद आया वीडियो लाइक करिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके दिमाग में अभी भी सवाल या फिर सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट संडे आपका क्वेश्चन यहाँ आएगा हमारे चैनल पर आपको क्वेश्चन का आंसर तो दूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपके चैनल का नाम भी लूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सर्टिफिकेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।